हेलो गाइस, सो हम वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको मेरी पिछली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और आज की हमारी जो वीडियो है वो बिट फेस्टिवल के ऊपर है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाया जाता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सामने से जो रथ आ रहा है वह लक्ष्मी नारायण जी का रथ है। ये इष्ट देवता है बलान के, और इनके सामने जो ये फूलों से बनी हुई चीज़ है ये इसे बिट कहा जाता है। आज का जो ये फंक्शन है इसी बिट के ऊपर मनाया जाता है, और इस यह हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। और अभी भी इसको इन लोगों ने ऊपर से लाया है, मतलब कि गाँव से ऊपर जंगल से लाया है और वहीं बनाया है। और इसको बनाने में लगभग 1 घंटे की मेहनत लगी है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना टाइम लगा इसको बनाने में। रास के फूलों से बने हुए इस बिट को अब मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर बनाया गया है ये बिट। थोड़ी देर में अब बिट शुरू होने वाला है, और यहाँ के लोगों में भी बहुत उत्साह दिख रहा है, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस बिट को देखने के लिए। तो देखते हैं। ये अब बिट की शुरुआत हो चुकी है। देखिए बंदे कैसे अभी ऊपर से पड़ गए, और आगे देख सकते हैं आप। और ये जो है किसी भी लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे ये कोई भी, और इनमें कोई आपस में कोई दुश्मन भी नहीं है, बस ये खेल का मज़ा ले रहा है। और ये देखिए जो पीली टी शर्ट वाला इसको खींच के ले रहा है इधर, ये जो रिंग जो है इसके पीछे ये बिट बनाया जाता है। और इस फंक्शन को जो है खेल के रूप में मनाया जाता है, और जिसके हाथ में ये रिंग जो है लास्ट में रहता है वही इस खेल का विजेता होता है। तो देखिए अभी खींचतानी हो रही है और लोग मज़े भी कर रहे हैं इसमें। ये एक आनंद के रूप में इसको मनाया जाता है, और इसमें कोई भी जो लड़ाई झगड़ा नहीं होते, और किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई जाती है, और ये बस एक मज़े के रूप में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी क्या होगा। अब देखिए ऊपर कैसे चढ़ रहे हैं वो। यहाँ एक बंदा तो ए गिर गया हो, देखो इसको तो क्या हो। बहुत ही आनंददायक खेल था ये, बहुत ही मज़ा आ गया इसको देख के। सो ये देखिए बंदे ऊपर से भी इसमें जंप कर रहे हैं, और अब जो है कोई भी इस टाइम इस खेल को लगभग 15 मिनट हो चुके थे, और अभी भी कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और गांव के लोग बोल रहे थे कि छोड़ो, कोई किसी एक के पास दो इसको, बट फिर भी वो छोड़ने को तैयार नहीं थे, और अभी भी इसमें खींचतानी लगी हुई थी। तो देख सकते हैं आप, और इसको ये नीचे खेतों में ले गए मंदिर से नीचे, और अभी भी कोई निर्णय नहीं हुआ कि कौन इसका विजेता है। और अब जो है अभी 3-4 ही बंदे इसको पकड़े हुए हैं, बाकी इससे निकल चुके हैं साइड पर, वो 3-4 बंदे हार नहीं मान रहे हैं, और देखते हैं अब क्या होता है। लोगों में देखिए कितना उत्साह है यहाँ पर, और इस खेल का आनंद ही यही है। और ये देखिए अब नीचे को ले जा रहे हैं इसको, नीचे वो नीचे पहुँचाते हैं इसको। तो अभी भी देखिए बंदे नहीं मान रहे हैं भाई, इसको छोड़ ही रहे हैं मतलब। गांव वाले बोल रहे हैं कि छोड़ दो किसी एक के पास, अब ये छोड़ने को तैयार नहीं, इसलिए गांव वाले बोल रहे हैं कि
इसको जो है गुर के पास छोड़ते। गुर जो है देवता का एक मुख्य कर्मचारी होता है, और इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी विजेता नहीं होने वाला है। तब ये बोल रहे हैं कि गुर के पास छोड़ दो, तो देखते हैं अभी छोड़ते हैं कि नहीं। सो लगेगा पता अभी क्या होता है। अभी भी किसी का मन नहीं हो रहा है इसको छोड़ने का। जो इस दरअसल इसमें ऐसा होता है, जो लास्ट में तक इसको होल्ड करता है वो एक देवते से उसको वरदान मिलता है, तभी करके ये जो विट बनाया जाता है। और देखिए अब ये इसको गुरु के पास छोड़ देंगे। ये देखिए, और अंत में निर्णय यह हुआ कि विट जो है गुरु के पास ही रहेगा, इसका विजेता कोई भी नहीं।